आरोपियों से 51 किलो गांजा, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल की जब्ती। आरोपियों से जब्त मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल, मोबाइल की कीमत करीब 4 लाख। एसपी अभिषेक मीना के कुशल मार्गदर्शन पर सरिया टीआई विवेक पाटले एवं हमरा स्टाफ द्वारा 20 अगस्त की शाम सूचना के आधार पर बोरीदा बैरियर में ओडिशा से मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर आ रहे 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे 51 किलो गांजा बरामद हुआ है। खास बात यह है कि पुलिस की ओडिशा बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी को देखते हुए गांजा तस्करों के आगे एक मोटरसाइकिल पर उनका एक साथी पुलिस की जांच पड़ताल नाकेबंदी को पीछे अपने दोनों साथियों को लगातार संकेत दे रहा था। बावजूद सरिया पुलिस की सूझबूझ में दोनों आरोपी पकड़े गए, जिन पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। 21 अगस्त की दोपहर थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक विवेक पाटले को एक काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर 2 लड़के उड़ीसा के गड़ियापाली से गांजा लेकर निकले, जिनके साथ एक नीले रंग की सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल पर एक लड़का पायलटिंग करता जा रहा है। तीनों के जल्द ही सरिया पार होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल अलग अलग स्थान पर स्टाफ को निगाह रखने निर्देशित कर स्वयं अहमराह स्टाफ के साथ बोरीदा बैरियर नाकेबंदी के लिए रवाना हुए। देर शाम करीब 6:45 नीले रंग की मोटरसाइकिल सीडी डिलेक्स में एक युवक ओडिशा की ओर से आया, जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम किशोर सा बताया। उसके पीछे थोड़ी ही देर में 2 युवक काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल में आए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोका गया। बाइक चला रहा युवक अपना नाम शैलेंद्र महानंदा, पीछे बैठा युवक ज्योतिरानंद क्षत्रिया नाम बताया। पुलिस टीम उन्हें चेकिंग के कारण बताते हुए उनकी तलाशी ली गई। काले रंग की पैशन प्रो के 2 झोला एवं चालक और पीछे बैठे युवक के बीच रखा थैले में गांजा मिला। कड़ी पूछताछ में पता चला उसका साथी नीले रंग की मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स में किशोर सा पायलटिंग करते हुए आया है। आरोपियों से जब्त मादक पदार्थ की कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपियों के विरुद्ध थाना सरिया में NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है।